Greetings students. Today we will discuss about ascending order. Let's arrange these number in ascending order. 5, 8, 9, 7, 1 or 0. These are numbers. Arrange in ascending order. What is ascending order? Ascending order means the smallest number will come first. So let's find out the smallest number. Means हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है. अब इन्हीं नंबर्स में से हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हमें स्मॉल नंबर को, उसके बाद उससे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा. इस तरह से हमारी एक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी. इसके लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए, ये हमारे सिंगल डिजिट हैं, 0 से 9 तक सिंगल डिजिट हैं. इनको समझने के लिए पहले मैं काउंटिंग लिखती हूँ यहाँ पे 10 तक. इनको हम चेक करेंगे. अब हमारा सबसे छोटा नंबर है 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मीन्स हमारा 10 जो है वो बिगर नंबर है और 0 स्मॉल नंबर है. तो इससे, इसकी हेल्प लेके, हम इस सीरीज की हेल्प लेके हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर को करेंगे. अब हम चेक करते हैं. अब हम इन नंबर्स में से चेक करेंगे कि विच नंबर इज स्मॉल. तो आप चेक कर सकते हैं सबसे स्मॉल नंबर क्या है हमारा. इसमें भी देख सकते हैं ऊपर सबसे स्मॉल नंबर है हमारा 0. एक सबसे इजी वे है, अगर हमारा 0 नंबर है तो हमने यहाँ पे लिखा 0. अब हमने क्या किया, अब हम दोबारा से अगर हम इस सीरीज को चेक करेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं. तो 0 के ऊपर आप हल्का सा क्रॉस लगा दें ताकि हमें पता चल जाए कि ये नंबर हमने यहाँ पे राइट किया है और जो भी नंबर हमारे लेफ्ट हैं अब हमें इनमें से चेक करना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है. अब जो भी नंबर लेफ्ट है हमारे, अब इसमें से चेक करेंगे कि 0 से बड़ा क्या है. अब इसमें देखो 0 से बड़ा क्या है, 0 से बड़ा है 1. तो अब हम यहाँ भी चेक करेंगे 0 से बड़ा क्या है, 1. तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 1. अब हम 1 के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये दोनों नंबर हमारे डन हैं. नेक्स्ट 1 के बाद, आफ्टर 1, 1 के बाद हमारा 1 से बड़ा नंबर हमारा क्या है. 1 से बड़ा हमारा 2. अब 2 को हम चेक करेंगे सीरीज में, 2 तो नहीं है यहाँ पे. उसके बाद क्या है, 3. फिर 3 को चेक करेंगे, अब 3 भी नहीं है. 3 के बाद 4, अब 4 भी नहीं है. 4 के बाद क्या है, 5. 4 के बाद क्या आता है, 5. अब चेक करेंगे हम तो 5 नंबर ये है हमारा. तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 5. 5 के ऊपर क्रॉस लगा दें. उसके बाद हमारा आता है 6. 6 नंबर है, 5 से बड़ा होता है 6. अब 6 को चेक करेंगे इस सीरीज में तो 6 नहीं है. 6 के बाद 7 है, 7 हमारा नंबर है यहाँ पे. अब आएगा हमारा 7 नंबर, 7 के ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दो. उसके बाद है 8, 8 भी हमारी सीरीज में है. 8 आ गया, 8 के ऊपर क्रॉस लगा दो. आफ्टर दैट 9, आफ्टर दैट 9. नाउ वी हैव अरेंज्ड दीज नंबर इन देयर असेंडिंग ऑर्डर्स. ये हमारे नंबर्स जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं. ठीक है, अब ये इसलिए बताया था मैंने आपको ताकि आप अच्छे से समझ पाओ कि कौन सा नंबर छोटा होता है, कौन सा बड़ा होता है. जो पहले आता है वो नंबर छोटा होता है, जो बाद में आएगा वो नंबर बड़ा होगा. वन मोर एग्जांपल, 2, 6, 8, 3 और 9. फर्स्ट, विच नंबर इज स्मॉल. सबसे छोटा नंबर क्या है हमारा, स्मॉल नंबर क्या है. अब हमारा है 2. 2 के ऊपर क्रॉस लगा दो ताकि आप कन्फ्यूज ना हो. आफ्टर दैट 2 के बाद क्या आएगा, 3. 3 पे क्रॉस लगा दो. 3 के बाद क्या आएगा, 6. 6 पे क्रॉस लगा दो. 6 के बाद 8 और 8 के बाद 9. ओके, तो इस तरह से हम वन डिजिट, जो सिंगल डिजिट वाले हैं, इनको हम आसानी से इस तरह करते हैं. अगर आपको सिंगल डिजिट अच्छी तरह समझ आ जाएगा तो आगे वाले नंबर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगे. Now I will tell you how to arrange two digit number in ascending order. Two digit numbers को हम कैसे करेंगे. अब बच्चे confused हो जाते हैं कि one digit में तो हमें समझ आ गया, two digit में कैसे होगा. ठीक है, तो two digit में arrange करेंगे हम. Two digit same होता है. हम सबसे पहले
फर्स्ट वाले नंबर को चेक करेंगे कि फर्स्ट में क्या है। तो फर्स्ट में देखो, हमारा फर्स्ट में वन है, यहाँ पे टू है। आपको एकदम समझ आ जाएगा कि जो नंबर वन है यहाँ पे और यहाँ पे टू है, तो टू तो अपने आप ही बड़ा है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे वन है। अब वन वाले कितने हैं हमारे पास, एक नंबर ये है और एक नंबर हमारा ये है वन वाला। तो फिर बाद वाले नंबर को भी चेक करेंगे हम। यस, वन वन नंबर 18। अब तीनों में सबसे पहले क्या है हमारा, वन। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है। तो हम इनके बाद वाले नंबर्स चेक करेंगे। इसके बाद में क्या है, वन। वन सबसे छोटा होता है। इसके बाद में क्या है, फाइव। इसके बाद में क्या है, एट। तो हमारा सबसे स्मॉल नंबर क्या है, इलेवन। इलेवन के ऊपर क्रॉस लगा दो, सबसे स्मॉल नंबर है हमारा इलेवन। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट वन के बाद इसमें फाइव है, यहाँ पे एट है। तो फाइव से बड़ा तो एट है, तो ये नंबर हमारा नेक्स्ट नंबर है 15। आफ्टर दैट 18। थ्री नंबर्स हमारे डन है। अब हमारा क्या बचा है, 21, 36 और 25। अब हम फर्स्ट नंबर को चेक करेंगे, ये भी हमारा 21 है, ये हमारा 25 है। ये भी टू नंबर सेम है, ये भी टू नंबर सेम है। लेकिन बाद वाले नंबर्स को चेक करो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे फाइव है। तो सबको पता है वन वन स्मॉल होता है या फाइव स्मॉल होता है, वन स्मॉल है हमारा। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 21। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट नंबर है हमारा 25। अब फर्स्ट वाला, अब क्या बचता है, सिर्फ 36 बचेगा। आफ्टर दैट 36। सो वी हैव अरेंज दीज नंबर इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। मीन सबसे पहले हमारा छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे हम एक सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर बढ़ती चली जाती है वो। तो ये नंबर हमारे असेंडिंग ऑर्डर होते हैं। चलो एक एक्टिविटी करते हैं हम। एक एक्टिविटी है, एक कैट बनाई है और इसकी टेल के साथ हम इसको अरेंज करेंगे। ज्वाइन द डॉट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर एंड गो टूवर्ड्स द बिगर नंबर। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स ज्वाइन दिस डॉट टू गेट द टेल। मतलब हमें इसके टेल के साथ, असेंडिंग ऑर्डर के साथ इसको जोड़ना है। रिमेंबर वी हैव टू ज्वाइन द डॉट इन देयर असेंडिंग ऑर्डर। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट, हम इसके टेल के साथ स्टार्ट करेंगे। 40, 41, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52. See, now the picture is complete. I hope you have to understand this topic, means ascending order. Thank you.